व्हाट्स अप गाइस, होपिंग यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। कोड देखिए कितनी शानदार है। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। यार, जब तक आप सपने देखोगे नहीं, किसी चीज के बारे में सोचोगे नहीं, अपना गोल सेट करोगे नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा? जब तक ये सारी चीजें आप डिसाइड नहीं कर लोगे, आपके माइंड में एक गोल सेट नहीं हो जाएगा कि मुझे ये करना है, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप अपने टाइम को भी प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये चीज गांठ बांध लीजिए, पहले अपना गोल सेट कीजिए और उसके बाद में अपना प्रॉपर टाइम डिफाइन कीजिए। क्योंकि टाइम डिफाइन, जब किसी चीज को आप डिफाइन कर देते हैं और एक डिफाइंड वे में करने की कोशिश करते हैं, एक आप अगर सर्किल खींच देते हैं किसी चीज के चारों ओर कि मुझे यहाँ तक इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे कंप्लीट करना है, तो फिर आप उसको कर ले जाते हैं, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है और आप चीजों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाते हैं। ये दीपा मलिक जी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि पैरा एथलीट हैं ये, पैरा ओलंपिक में इन्होंने अभी पदक भी जीता था। तो इनसे पूछा गया, मतलब ये बोल रही थी कि जब भी लोग देखते हैं कि बेचारी देखिए व्हील चेयर पे बैठी हुई है और जब भी गेम वेम खेलने जाती है तो क्या करते हैं, इसको 3-4 आदमी उठा के ले जाते हैं, तो सब इसको बेचारी बेचारी बोल रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, बेचारी नहीं हूँ, महारानी हूँ। पहले जमाने में भी जो रानी महारानी थी उनको सब पालकी में बैठा के ले जाया करते थे, तो ये मेरी पालकी है और मैं महारानी हूँ, तो बेचारी मत बोलिए मुझे। तो देखिए, एटीट्यूड मैटर करता है कि आपको कोई कुछ बोलता है और आप उसको कैसे लेते हैं। इन्होंने कितने पॉजिटिव तरीके से लिया उसको, हो सकता तो ये भी नेगेटिव तरीके से ले सकती थी और सोचती यार सब मुझे किस तरीके से देखते हैं, मुझे किस नजरिए से देखते हैं। तो अपना चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए, ठीक है, उसके बाद में सारी चीजें फिर चेंज हो जाएंगी। ओके, तो आज 31 मार्च है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ यार, मैं जिन आदमियों को भी मैंने बोला था कि द हिंदू न्यूज़पेपर मिलेगा, तो जो टेलीग्राम का लिंक है वहीं पे आज से मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का लिंक भी पोस्ट कर दिया करूंगा, ठीक है। तो जिनके पास में पीडीएफ नहीं है द हिंदू को पढ़ने के लिए, बहुत से बंदे थे मुझे एसएमएस कर रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो द हिंदू डिस्कशन की पीडीएफ भी अब आपको टेलीग्राम में ही मिल जाया करेगी, ठीक है। देखिए, जिन जो कई सारे ऐसे बंदे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले या फिर गाँव के बंदे हैं जिन तक नहीं पहुँच पाता है, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, ये भारत स्टैंडर्ड 4 इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं हम, तो उसी के बारे में हम लोगों ने कल भी न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था, इस वाले आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे हम लोग। ये वाला आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी के बारे में आप लोगों को सब चीज बताऊंगा, पहले क्या टैक्स स्ट्रक्चर थी, अब क्या टैक्स स्ट्रक्चर हो गई है, अब कौन कौन से टैक्स इंप्लीमेंट करने चाह रहे हैं, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, तो आपका पूरा ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या आपका रिविजन भी हो जाएगा और पूरा एक जगह डिस्कशन मिल जाएगा आपको। ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा लिखा गया है, अफ्रीकन कम्युनिटी पे यहाँ पे नोएडा में अभी आप लोगों ने सुना होगा अटैक हुआ है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, बताया जाएगा कि किस तरीके से अफ्रीकन कम्युनिटी हमारे बारे में सोचती है और हम उनके बारे में सोचते हैं, और हमको अपनी ये सोच चेंज करनी चाहिए और सोसाइटी में और रूल और रेगुलेशन भी किस तरीके से चेंज करने चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि यूएसए के साथ में जो डील हमारी होने जा रही थी तो उसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उसके कई सारे रीजन थे, कुछ रीजन इसमें दिए गए हैं, तो वो रीजन तो देखेंगे हम कुछ, उसके साथ साथ में क्या करेंगे हम, मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से मैप दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कौन कौन से जोन में आते हैं, तो आप लोगों से लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी निकल के आएगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। और जैसे कि ये वाला पेज आज फ्राइडे, आप लोगों को सभी को पता है कि आज एक टॉपिक के 3 व्यूज आते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर वाला, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन भी है। इसमें क्वेश्चन क्या है, इज आधार कार्ड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, मतलब प्राइवेसी का वायलेशन करता है या नहीं करता है, आपके लिए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्लीट इस आर्टिकल से हो जाएगा। आधार कार्ड से रिलेटेड मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ आर्टिकल में, तो इस वाले में क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है बहुत पुअरली, मतलब बहुत पुअरली इसको देखा कराया गया है चीजों को, अच्छे से मतलब जो प्राइवेसी है उसका ध्यान नहीं रख पाता है। इस वाले आर्टिकल में इसका अपोजिट बोला है कि बहुत ही अच्छे से ध्यान रख पाता है, इस वाले आर्टिकल में बोला है कि हाँ कुछ अच्छे से ध्यान रख पाता है, कुछ अच्छे से नहीं रख पाता है, वही एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया और तीसरा बीच का हो गया, मतलब यही कि तो उस तरीके से पूरे आर्टिकल को यहाँ पे इन्होंने एनालाइज किया है। कुछ कुछ इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड ये वाला आर्टिकल भी है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जब साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों एक साथ मिल जाती है, क्यों, क्योंकि प्राइवेसी ही तब हनन होगी जब साइबर सिक्योरिटी के प्रोन होगा ये, अगर साइबर सिक्योरिटी ढंग से नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाली जाती है, जिस तरीके से हमारा जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं और आई की आईरिसिस वगैरह पुतली का भी स्कैन किया जाता है, तो सारा हमारे डिटेल्स भी रहती है यहाँ पे, तो इसी तरीके से ये मतलब प्रॉपर वे में इसको अगर ढंग से नहीं रखा जाए तो ये आर्टिकल भी दोनों लगभग एक तरीके से एक आप इनको कोरिलेट कर सकते हो यहाँ पे, तो इस वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला नीचे वाला आर्टिकल जो है साइड में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है,
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोसाइटी में देखिए हेट स्पीच होती है, किसी एक धर्म के खिलाफ में कुछ बोल दिया जाता है और जरा सी देर में पूरी सोसाइटी में आग बबूला मच जाता है। तो उसी से रिलेटेड लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया गया है 2017, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। इस वाले आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे और किन किन चीजों को अब इन्होंने हेट स्पीच के अंदर लाया है, यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इनसे कि एक पूरी क्लैरिटी लेके आओगे किनको हेट स्पीच कहा जाएगा और किनको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। तो ये वाला आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर देना है, याद रखिएगा अच्छे से। आइए अब आर्टिकल देखते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल जो है, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड है। देखिए हमारे साथ में अभी उसके यूएसए के साथ में पैक्ट होने वाला, पैक्ट हो चुका था, उसको अभी प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने की जब बातें आ रही हैं, तो क्या हुआ है अभी फिर से उस पर मतलब दिख रहा है कि रोड़ा अड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी अपने आप को बैंकरप्सी बता रही है कि मतलब वो चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम बहुत सी कंट्रियों के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, और जैसे कि हम सभी लोगों ने डिस्कस भी किया था, एनएसजी से रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस की थी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप था उससे रिलेटेड, और एनपीटी से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस की थी, नॉन प्लोरीफ्रेशन ट्रीटी, जिन्होंने कल वाला लेक्चर देखा होगा, ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई थी। तो जैसे कि हम एनपीटी को साइन नहीं किया है, हमने एनपीटी को साइन क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जो है अपना न्यूक्लियर जो मतलब वेपन है वो बनाना चाहते थे उस टाइम पे, पर लेकिन एनपीटी इसलिए लाई गई थी जिससे कि हम उसको ना बना पाए, खासकर यूएसए लेके आया था इसको 1974 में, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या था, ये हमेशा कंडीशन ये रहती है कि पहले एनपीटी को साइन करो, उसके बाद ही आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बन पाओगे। क्यों? क्योंकि एनपीटी को साइन करने के बाद में कंफर्म हो जाता है कि आपको जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाले मेंबर जो ईंधन देंगे उसका आप गलत यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सी सारी कंट्री हैं, इवन एग्जांपल लूं अगर मैं आपके सामने, 2009 में ये कंट्री है यहाँ पे नाम्बिया, अफ्रीका में, नाम्बिया के साथ में 2009 में हमने यूरेनियम की मतलब एग्रीमेंट साइन किया था कि ये हमको यूरेनियम सप्लाई करेंगे, और इनका मन भी है यूरेनियम सप्लाई करने का, पर लेकिन वही बात आ गई फिर से, क्या निकल के आ गया, एनपीटी, ठीक है। सब ये कहते हैं कि पहले एनपीटी साइन करो, तो नाम्बिया वाले तो हमको यहाँ तक बोलते हैं कि यार देखो हम आपको यूरेनियम सप्लाई कर देंगे, पर लेकिन कंडीशन क्या है, जो अफ्रीकन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी है उसके तहत ये हमको सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पहले आसपास की जो कंट्री है दो चार, उनसे और आप पैक्ट साइन कर लो जिससे कि उसके बाद में हम आपको न्यूक्लियर ईंधन सप्लाई कर सके। तो ये एक ऐसी ट्रीटी बन गई है कि मतलब होते हुए भी ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ में सप्लाई करे, क्योंकि यार इनको फायदा होगा बहुत ज्यादा है, और इनकी जो जो इनकी कंट्री है मतलब बहुत ही ज्यादा मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे बड़ी बात यह, अगर इनके यहाँ से मिनरल्स ये दूसरों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनके लिए कंडीशन, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चाहते हैं लगभग 11% जो इनकी इकोनॉमी है नाम्बिया की, वो यहाँ से मिनरल्स वगैरह जो निकाले जाते हैं, उनमें से न्यूक्लियर ईंधन भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब ईंधन फ्यूल है जो कि ये सप्लाई करते हैं। पर लेकिन अगर ये ट्रीटी साइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इंडिया वाले ट्रीटी साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमको ईंधन सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 2009 से देख लीजिए, आज 2009 से लेके आज तक इन्होंने हमको ईंधन सप्लाई नहीं किया है ओनली इन कंडीशनों की वजह से। तो ये इस तरीके की कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा से होती आई है। पर लेकिन एक बात है, सबके मन में ये है कि इंडिया जो है एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो अगर उसको हम ईंधन देंगे तो वो उसका गलत यूज नहीं करेगा। इसी तरीके से कनाडा भी हमारे साथ में पैक्ट करने के लिए तैयार है, और ये ऑस्ट्रेलिया भी, और भी कई सारी कंट्री है, खासकर कजाकिस्तान भी। तो ये सारी कंट्री क्या है, ये हमको हमेशा चाहते हैं कि सप्लाई करें, पर लेकिन वही है कि फिर वही वर्ल्ड की नॉर्म्स आ जाती हैं आगे कि यार पहले इनको वो पैक्ट साइन कराओ उसके बाद में देना, यही कंडीशन लेके चाइना फुदकता रहता है, बोलता रहता है कि पहले इनसे एनपीटी साइन कराओ उसके बाद में एनएसजी के बारे में सोचना। तो ये हमारे सामने बहुत सारी कंडीशन बनी रहती है जिसकी वजह से बार बार हमारे रास्ते में रोड आड़ा रहता है, और इंडिया इतनी लार्ज कंट्री है यार, इतनी बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के बेस पे भी, तो इसलिए यहाँ पे ईंधन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो पहले तो हम मैक्सिमम हम डिपेंड किसके ऊपर रहते थे, ऑयल के ऊपर रहते थे, अब हम ऑयल से ट्रांसफर हो गए ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं जो कि हमारे खुद के पास में हो। जैसे कि हमने अभी सोलर सिस्टम की बात ले लीजिए, 100 गीगावाट का हमारा टारगेट हमने सेट किया है। तो इसी तरीके से हम अपने अब चीजों को यूज करने का अपना नजरिया और एरिया चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल में देखिए वही सारी चीजें, दिवालिया हो गई है, अब थोड़ा डिले हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट बना रहे थे तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा डिफरेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ कहाँ पे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा कहाँ पे है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कौन कौन से सिस्मिक जोन में है। तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए सिस्मिक जोन दे रखे हैं, जो जेड है ये सबसे लीस्ट है, ठीक है ना, जोन टू है, ये जोन थ्री है, ये जोन फोर है, ये जोन फाइव है। तो ग्रीन वाला जोन फोर है जहां जहां पे ग्रीन है, और जोन फाइव है जो सबसे मोस्ट प्रोन है, सबसे ज्यादा सिस्मिक जोन मतलब होता है जहां पे अर्थक्वेक भूकंप आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा भूकंप आने के चांसेस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे जो रेड वाला जोन है ये, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आने के चांसेस है, और जो ग्रीन ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे सबसे कम है।
तो आप लोगों को लेके देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आप लोगों को थोड़ा पता भी चल जाएगा कि ये चीजें क्या होती हैं। सबको अपने अपने स्टेटों का नाम लिखना है कि उसका स्टेट किस वाले भूकंप के जोन में आता है, ठीक है ना। ये नहीं कि आधे कहेंगे कि मेरा इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो चेक कर लीजिएगा। दो में आता है तो दो लिखिए, पर लेकिन एक बड़ा सा एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब वो नहीं होता, एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एरिया कौन से जोन में आ रहा है। देखिए बहुत ही फायदा, इतना कम से कम आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्यूचर में घर बना रहे हैं या किसी को सजेशन भी दे रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हो, किसी को सजेशन दे रहे हैं कि अगर घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो उनको सजेशन दे सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ये इस वाले जोन में आता है तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से यूज करो, तो आप सजेशन दे सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना चाहिए। तो आप लोगों को कमेंट लिखना है कि आपका स्टेट कौन से जोन में आता है, अर्थक्वेक जोन में। यहाँ पे पूरे अर्थक्वेक जोन दे रखे हैं और यहाँ पे सबके स्टेट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को छांट लेना है कि आपका स्टेट कौन से वाले में आ रहा है, बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा सा लिख दीजिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही एक्यूरेट लिखना है, पर हाँ पता होना चाहिए कौन से एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ये रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है, याद रखना है आप लोगों को, राजस्थान में रावत भाटा पड़ता है यहाँ पे। और मतलब ये सारे मैंने सारे जो बड़े बड़े से ले लिए हैं अभी फिलहाल, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ अंडर प्रोसेसिंग है यहाँ पे, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कुछ प्रपोज प्रोजेक्ट है, तो सारे कुछ कुछ बड़े बड़े से ले लिए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका लगभग नाम पता होना चाहिए कि कम से कम जैसे नरोरा हो गया ये उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है, हरिपुर हो गया ये वेस्ट बंगाल में आता है। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा सा एक आइडिया होना चाहिए कौन सा वाला कौन से एरिया में पड़ रहा है। और खासकर जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी का बंदा है, तो उसको तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि यूपी में मेरा वाला, कि यूपी में नरोरा आता है, तो अपने वाले स्टेट का तो पता ही होना चाहिए। स्टेट के एग्जाम के लिए फायदेमंद है और यूपीएससी के लिए फायदेमंद है, और ऊपर से इंटरव्यू के लिए भी फायदेमंद है, तो हर तरीके से फायदेमंद में फायदा होता है इस चीज से। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन से नाम है। ये हो गया यहाँ पे कार पाराकर, ये कहाँ पे हो गया, गुजरात में हो गया, मीठी वृद्धि भी गुजरात में है। ये जैतापुर हो गया कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो गया। ये कैगा हो गया कर्नाटक में हो गया, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में हो गया, मध्य प्रदेश में है यहाँ पे एक, और ये कौन सा है, केवाड़ा, ये हो गया आंध्र प्रदेश में। कलपक्कम हो गया तमिलनाडु में, और जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है कुंदाकुलम, ये भी तमिलनाडु में हो गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है, मोटा मोटा से ये 5-7 नाम है जितने भी हैं, आप लोगों को याद रखना है, और खासकर अपने स्टेट का नाम याद रखना है। और क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा यार। देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, फिर याद भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप लोगों को याद भी रह जाएगा अच्छे से। ओके आइए अब आगे देखते हैं। ये वाला आर्टिकल भारत स्टेज फोर से रिलेटेड है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, हम लोगों ने न्यूज एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, तो उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि भारत स्टेज थर्ड जिसको बीएस थर्ड भी बोलते हैं, ये बीएस थर्ड जो था कब से चला हुआ रहा था, याद है आप लोगों को, 2010 से चला हुआ रहा था ये, तो 2010 से चला हुआ रहा था, 2017 में इसको हटाना हमको, ठीक है ना। तो इसको हटाने की बात की गई थी कि 1 अप्रैल से इसको हम वॉश आउट कर देंगे, तो इसके बाद 1 अप्रैल को इसको वॉश आउट करने के बाद में क्या आ जाएगा, बीएस फोर आ जाएगा। अब बीएस फोर तो यहाँ पे आ जाएगा, अब इसके बाद में हम एक और जंप मारने जा रहे हैं, वो जंप क्या मारने जा रहे हैं, वो जंप ये है कि ये वाला जंप जो लंबा यहाँ पे लाइन खींची गई है, यहाँ पे आता है बीएस फाइव नाम का स्टैंडर्ड, ये बीएस फाइव नाम का स्टैंडर्ड हम यहाँ पे जंप मारने जा रहे हैं, और डायरेक्ट फिर आगे 2020 में हम स्टैंडर्ड सिक्स पे पहुंच रहे हैं, डायरेक्ट 2020 में जो बीएस स्टैंडर्ड उस पे सिक्स में जा रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये इतनी सारी चीजें होने जा रही है, ये तो इसमें ये आर्टिकल न्यूज में इसलिए आ रहा है, हम लोगों ने एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि देखिए यार आदमियों की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपकी कमाई और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि आदमियों की हेल्थ बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। आप लोगों ने देखा हो कैपिटल, जैसे कि दिल्ली कैपिटल में आप लोगों ने सुना हो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जितनी बड़ी बड़ी सिटी है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आदमियों को बचाना है, जब आदमी नहीं बचेंगे तो फिर आपकी गाड़ियों को क्या करेंगे हम लोग, तो पहले आदमियों को फोकस करना है हम लोगों को, तो आदमियों को बचाना है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकल के आया था, तो उसने बोला है कि 1 अप्रैल से इसको इम्प्लीमेंट कर लो, 1 अप्रैल मतलब कल से। तो सारी जितनी भी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है, या टू व्हीलर हो गए या फिर कमर्शियल व्हीकल वाले हो गए, वो सारे एकदम परेशान हो गए, वो बोलने की ऐसा कैसे काम चलेगा, तो ऐसा कैसे काम चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मुझे मतलब नहीं है, हम लोगों ने आपको टाइम दिया था, अब कैसे काम चलेगा वो आप लोग सोचिए। तो ये आर्टिकल कंप्लीट उसी से रिलेटेड है। तो अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे टाइमलाइन भी दे रखी है, आप देख लीजिए एक बार, जो इंडिया में है ये स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 2000 में आया था, ठीक है ना, फिर 2000 यहाँ पे मतलब फिर यहाँ मतलब 2000 में पहले वाला आया था, स्टार्ट हुई थी, फिर यहाँ पे सेकंड जो आया था वो 2005 में नेशनल मतलब पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ था, फिर जो तीसरा है वो 2010 में, और जो चौथा है वो कब आया था, ये चौथा यहाँ पे मतलब 2016 में इसको प्रपोज किया गया था कि आना है कुछ सिटियों में, पर 2017 के अप्रैल से इसको कंप्लीट इंप्लीमेंट करने की बात चल रही थी। जो स्टेज फाइव है उसको हमने स्किप कर दिया है, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट फिर कहाँ पहुंच रहे हैं, स्टेज सिक्स पे पहुंच रहे हैं। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोगों को याद रखना है,
क्योंकि अभी देखिए 4 हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है, तो फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि 6 हब कब कर रहे हैं। वैसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला था पर फिर मैंने सोचा बता देता हूँ। तो 2020 खेलेंगे हम कब जाके, 2020 में। तो भारत स्टेज 6 मतलब छक्का मारेंगे हम जाके 2020 खेलेंगे। तो याद रख लेना इस तरीके से, थोड़ा मतलब कुछ भी बना लिया करो यार, याद रखने के लिए अब बस पता होना चाहिए ये एंटायर कंट्री में। तो 2020 खेलेंगे हम सिक्सर मारेंगे, तो सिक्सर मारेंगे 2020 खेलेंगे, 2020 में बहुत ज्यादा सिक्सर मारे जाते हैं। तो 2020 में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे 6 को, जिसमें कि 5 को हम स्किप कर देंगे। तो प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को आंसर अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, तो देख लेते हैं आर्टिकल में वही बात बोले कि शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए लॉन्ग टर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि पब्लिक की हेल्थ है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनी सफर करेंगी वो एक अलग बात है, पर 2017 में जो BS4 की जो डेडलाइन आई थी वो पहले भी रिव्यू की जा चुकी है उससे रिलेटेड सारी चीजें, और फ्यूल पॉलिसी भी रिव्यू की जा चुकी है 2 ईयर एगो, तो पहले से सबको पता था। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ आदमियों के माइंड में कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या था कि ये जो 1 अप्रैल आपने डेट रखी है ये मैन्युफैक्चर बंद करने की थी या फिर सेल बंद करने की थी, इस चीज को लेकर बहुत से आदमियों के मन में कन्फ्यूजन था कि मैन्युफैक्चर बंद होना है, कि मैन्युफैक्चरिंग बंद होनी है इन व्हीकलों की। पर लेकिन यहाँ पे तो सेल और रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दी, तो इस चीज को बोल रहे हैं कि कुछ के आदमी में, कुछ के माइंड में वो कन्फ्यूजन था। पर लेकिन सब जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो शिफ्ट कर दी थी पहले ही, मतलब अपना अपग्रेडेशन कर दिया था टेक्नोलॉजी का, और कुछ ने मतलब अपना पहले से मतलब डिसीजन ले लिया था क्योंकि उनको पता था ऐसा कुछ होने वाला था। पर लेकिन टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल जो थे उन्होंने क्या सोचा कि जिस तरीके से भी ये भी वो मतलब भारत स्टेज 2 और भारत स्टेज 3 को इंप्लीमेंट किया गया था, तो क्या किया गया था जब इनको इंप्लीमेंट करने की बात आई तो हर बार वो कर देते हैं ना, हम एक्सटेंड कर देते हैं लिमिट, तो यहाँ पे 2 बार हम एक्सटेंड कर चुके थे। तो वो ये कि कुछ पहले इनको फायदा पहुंचा दिया 2 बार एक्सटेंड करके, तो इन्होंने क्या सोचा फिर से ऐसा ही मिलेगा, वो ये ना एक बार किसी को जरा सा फायदा पहुंचा दे तो वो फिर वो बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ते, वो क्या बोलते हैं अंगूठा पकड़ते पकड़ते पहुंचा, या क्या हाथ पकड़ते पकड़ते पूरा अंगूठा दिया था और पूरा हाथ ही पकड़ लिया, काइंड ऑफ डायलॉग है यार, याद नहीं आ रहा है। तो मतलब दिया था, हाथ दिया था और पूरा पहुंचा पकड़ लिया कुछ करके है। तो वही बात थी, पहले एक बार इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया तो उसके बाद में क्या कर दिया इन्होंने, ये तो फिर से सोच के बैठ गए कि फिर से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये मतलब कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ इस तरीके से रह गए, कुछ सोच रहे थे रिलैक्सेशन मिलेगा, तो अब इंप्लीमेंट करने की बात आ गई है जब सर पे, अब सब छटपटाने लगे। तो थोड़ा सा सेंटर को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब पहले से चीजों को ढंग से नहीं बोल के चले, तो एक क्लियरिटी नहीं थी इनकी चीजों में, तो सेंटर को भी थोड़ा शेयर करना चाहिए बर्डन इन चीजों का, और ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज के ऊपर ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। कुछ तो प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिन्होंने चीजों का ध्यान रखा और बिगर सिटीज में उसको इंप्लीमेंट भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो कोर्ट ने ऑर्डर जिस तरीके से दिया है तो लगभग माना क्या जा रहा है कि 8 लाख व्हीकल जो है वो BS3 के अंडर में नॉर्म्स में आते हैं, मतलब 8 लाख व्हीकल ऐसे हैं जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है BS3 के हिसाब से और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर लेकिन अगर टोटल व्हीकल देखा जाए 19 करोड़ है लगभग, जो इंडियन रोड पे है आज की डेट में, जो इंडियन जो हमारी सड़कों पे घूमते हैं लगभग 19 करोड़ व्हीकल है। तो 19 करोड़ में से अगर देखा जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है अगर 19 करोड़ में से इसके हिसाब से देखा जाए, पर फिर भी अगर ढंग से देखा जाए स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी ये व्हीकल हैं है तो कम, पर लेकिन जो मतलब जितना पोल्यूशन ये फैलाते हैं, तो रिसर्च भी इसके तहत हुई है, तो उसमें क्या बताया गया है कि जितना पोल्यूशन रहता है उसके तहत मतलब 30-50% जो टोटल ऑन रोड एमिशन रहता है व्हीकल जो ओल्डर रहते हैं, जो 10 साल से पुराने रहते हैं, उनके द्वारा फैलाया जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को चेंज करने के लिए ताकि इन्वायरमेंट सही से रहे, और हमारे मतलब देखिए सबसे ज़्यादा प्रोन किसके लिए रहते हैं, एक तो बच्चों के लिए, फिर दूसरे नंबर पे हो जाता है जो बूढ़े हमारे बड़े बूढ़े रहते हैं उनके, जो थोड़ा एज में ज़्यादा रहते हैं, तो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये, और बीच वाले तो खैर थोड़े हष्टपुष्ट रहते हैं, इम्यून सिस्टम सही रहता है, वो तो चीज़ों को झेल जाते हैं, पर लेकिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में एडजस्ट करने की न्यू पॉलिसीज को, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों को हम अगर हम चीज़ों को वैसे ही टालते रहे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए टालना नहीं है इनको। तो इसीलिए जो नेक्स्ट वाली स्टेज है जो उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, जो BS Standard 6 आने वाला है, तो BS Standard 6 आने वाला है, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। और इसको जो वर्ड भी बोला है इन्होंने, क्या बोल रहे हैं, लीव फॉगिंग बोल रहे हैं, मतलब मेंढक वाली कूद, मेंढक ऐसे नहीं कूदता, जंप मारता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या था 4 था हमारा, तो यहाँ से 5 वाले पे जंप खत्म, सीधा यहाँ से यहाँ जंप मार गया, तो इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, लीव फॉगिंग, तो वर्ड को याद रखना। तो यहाँ पे किसे पहुंच गए हम, 6 पे पहुंच गए हैं ये। और सेंटर को थोड़ा सजेशन दे रहे हैं अभी यहाँ पे आगे कि सेंटर को जो है वो ऑब्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के जो बताए गए हैं उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए, चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और वन फ्यूल वन पॉलिसी गोल है ये, याद रखिएगा, वन फ्यूल वन पॉलिसी, मतलब बायोफ्यूल की बात चल रही है, तो इसके लिए बोला गया था कि मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा पैसे भी दिए थे कंपनियों को कि मतलब बायोफ्यूल पर फोकस करके चले और उसी के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके चले जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा।
तो क्रूशल है देखिए चीजों को लगाना, अगर नहीं लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और पहले जिसे अप्रचलित चीजें इसको बोलते हैं अप्सोलेट, इसको याद रखना अप्रचलित। तो जितना भी अप्रचलित है पुराने वाले हैं उनको चेंज करना पड़ेगा और नए वाले हैं जो उनको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए इनको, तो उसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं, कुछ तो एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या करेंगे देखिए, जैसे कि दूसरी कंट्री है, आप आसपास में कंट्री होगी जो कि बहुत ज्यादा गरीब है तो वहां पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे साथ यूरोपियन यूनियन या दूसरी कंट्री करती है, वो वहां पे जब चीजें खराब हो जाती हैं उस तरीके से, तो अब तक वो हमको एक्सपोर्ट कर देती थी, अब हम अपने अच्छे लेवल में आ गए हैं तो हम अपने से जो दूसरी कंट्री है अफ्रीका हो गया, फिर दूसरी कंट्री हो गई वहां पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, नेपाल भूटान में, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने, अब हम थोड़ा ऊपर लेवल में आ गए तो हम इनको एक्सपोर्ट करने लगे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, और जो डिसमेंटल पार्ट है रीयूज, उनको रीयूज करने की सोचो। मतलब जैसे कि पुराने पार्ट, मान लो जैसे कि मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी में मान लीजिए ये गाड़ी पूरी आप मान लीजिए कहीं बेक नहीं रहे हैं, तो इसमें से अगर हम टायर टायर वगैरह निकाल ले या फिर हैंडल वगैरह, तो इसमें से जो डिसमेंटल पार्ट है उनको हम नई टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, इनको डिसमेंटल कर करके, और जो बेकार पार्ट है जो कि लगता है आज की डेट के हिसाब से नहीं है उसको साइड में रख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्लीन फ्यूल पाथ पे चलना है हमको, मतलब ज्यादा से ज्यादा बचना है कि इन्वायरमेंट लॉस ना हो और हमारे यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है उसको कम से कम किया जा सके। तो इस तरीके से हमको चीजों को लेके चलना है। ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इंडियन अफ्रीकन कम्युनिटी से रिलेटेड है, इस वाला आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम लोग। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि ग्रेटर नोएडा में एक बच्चा मिसिंग था, ठीक है, तो बच्चा मिसिंग था तो उसको माना गया है कि जो वो पड़ोस में ही वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन पीपल रहते थे, तो उनको बोला गया कि ये स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट थे वे, तो उनको बोला है कि वो नरभक्षी हैं, मतलब मनुष्य को खाने वाले हैं। तो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए, कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म मतलब मनुष्य को खाने वाले, तो उनको मतलब माना गया कि उन्होंने बच्चे को खाया है। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। पहले आप नाइजीरिया, ये नाइजीरिया देख लीजिए एक बार कहां पे पड़ता है, ये हो गया यहाँ पे नाइजीरिया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि नाइजीरिया किस किस कंट्री की किस किस कंट्री को टच करता है। देखिए एक तो इंडिया से रिलेटेड न्यूज हो गई तो न्यूज में आ जाता है। आप कई बंदे बोल रहे थे कि कैपिटल भी बता दिया करूँ एक दो कंट्री की और करेंसी भी बता दिया करूँ, तो नाइजीरियन नायरा, ये तो हो गई करेंसी नाइजीरियन नायरा, NAIRA नायरा, और अबुज हो गई इसकी कैपिटल, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा दो चीज, एक दो बता दिया करूंगा हर आर्टिकल में, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने कहीं ने बोला था कि ये बता दिया करो, तो एक दो बता दिया करूंगा, इसी तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा, फिर याद हो जाएगा आराम आराम से। तो देखिए आंसर भी देते रहा करो यार, मैं सारी चीजें आप लोगों की इंप्लीमेंट करता हूँ, तो कम से कम आप लोगों को भी थोड़ा आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। तो मैं तो इसी चीज से मोटिवेट होता हूँ, जैसे आप लोग आंसर देते हैं चीजों को, वीडियो को और PDF को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, मेरे पास यही मोटिवेशन का रीजन है। तो आप लोग भी थोड़ा चीजों को थोड़ा प्रमोट करके चलिए। तो देखिए ये इसका कंट्री का देख लीजिए, यहाँ पे है नाइजीरिया और ये कैपिटल और ये हो गई, तो इसकी कैपिटल लिखनी है, आसपास की कंट्री कौन सी है। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो पुलिस भी है वो भी मतलब जो बाहर की कंट्री के अफ्रीकन पीपल होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है, हमारे वाले जो बोल देते हैं उन पे ध्यान देती है। तो पुलिस ने क्या किया, स्टूडेंटों को पकड़ लिया, मतलब चार्ज किया एक तरीके से मर्डर के उसमें, पर लेकिन बाद में पाया गया कि वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसको छोड़ना पड़ा, और देखा गया कि जो बच्चा था जो भी था वो ओवरडोज की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ जैसा कुछ बोला जा रहा था कि ये कर दिया मार दिया खा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं मिला बाद में, ठीक है। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, जो अफ्रीका में अफ्रीकन कम्युनिटी के खिलाफ नोएडा में, और ना कि नोएडा में बेंगलोर में दिल्ली में कई जगह देखने को मिलता है, तो रेसिज्म देखने को मिल रहा है, जातिवाद मतलब रंग भेदवाद भी आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से कलर मतलब उनको ब्लैक, और हम थोड़ा हम मतलब आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि हम जो व्हाइट पीपल की तरफ को ज्यादा वो रहते हैं कि व्हाइट पीपल हमको ज्यादा बेटर लगते हैं, और जो ब्लैक पीपल होते हैं और हमको होते हैं ब्राउन होते हैं बीच में, तो हम इनकी तरफ को ज्यादा वो डिपेंडेंट रहते हैं कि ये वाले ज्यादा अच्छे हैं और ब्लैक वालों को थोड़ा इग्नोर करते हैं और उनको ऐसे मानते हैं जैसे कि वो अनसिविलाइज्ड है। पर लेकिन देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि ये अनसिविलाइज्ड है, अफ्रीका कम्युनिटी भी एक रिच कल्चर हेरिटेज कंट्री, एक मतलब पूरा कॉन्टिनेंट है, तो उसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो हमको मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो फिर आगे बता रहे हैं कि देखिए जो काम होते हैं ना यहाँ पे मैक्सिमम, तो मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन के काम होते हैं, फिर उनकी मतलब उनको अनसिविलाइज्ड बोला जाता है, वो जानते नहीं है कि इनकी कितनी अच्छी कल्चर है और हेरिटेज है, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि हम उनके साथ मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, और एट्रोसिटीज होती है इंडिया में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है। ये एक आदमी थे यहाँ पे जिनका नाम था मासोंडा केटावाड़ा ओलिवर, तो ये जो थे ये एक कोंगो मतलब कोंगो के पर्सन थे ये, तो इनको क्या किया गया था, फ्रेंच टीचर है यहाँ पे साउथ एक्सटेंशन वाले एरिया में दिल्ली में, तो क्या किया गया था, ये पार्टी से आ रहे थे तो ऑटो में बैठने वाले थे ये, तो ऑटो में जब तक दूसरे आदमी आ गए दो तीन उन्होंने, तो ये इन्होंने बोला कि ऑटो मुझे लेना है, तो वो इनके साथ में लड़ पड़े और फिर इनको मार दिया, मतलब इनके मारा था सर्वर पे, तो ये वहीं पे हॉस्पिटल तक जाते जाते एक्सपायर हो गए।
तो ये डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके की चीज अगेंस्ट क्राइम अफ्रीकन कम्युनिटी के दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। कोलकाता हो गया या फिर नोएडा हो गया या फिर बैंगलोर हो गया, और भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वहाँ, और भी बड़ी बड़ी कंट्री नहीं जो सिटीज हैं हमारी, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इनके लिए हमारे मन में जो हमने बना रखा है कि यार ये तो अफ्रीकन है काइंड ऑफ चीजें जो हमारे माइंड में चलती रहती है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें निकल के आती हैं। सो जिस तरीके की ये मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसी प्रवृत्ति की चीजें चल रही हैं, ये हेडलाइन भी आती हैं कि अफ्रीकन कम्युनिटी के खिलाफ इंडिया में ये हुआ, तो जो अफ्रीकन पीपल है वो हाँ यहाँ पे रहते हैं तो यार वो देखिए अच्छा फील नहीं करेंगे। खुद देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ में क्या होता है, तो हम वो अच्छा फील नहीं करते। यूएसए में आज के डेट में हो रहा है तो हम लोगों को कैसा लगता है? अब वही बात आ जाती है, अगर अफ्रीकन के साथ में यहाँ पे हो रहा है तो उनको कैसा लगेगा? जिस तरीके से हमारा खून खोल उठता है उनका भी खोलता होगा, यार इंडियन समझते क्या अपने आप को। तो इस तरीके से उनके साथ में अच्छा ट्रीट करना चाहिए उनको। और ऊपर से पुलिस भी जो है वो भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है, और गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो तसल्ली देती रहती है। तसल्ली का क्या मतलब है? प्लाकेट, तो मतलब प्लाकेट तसल्ली देती रहती है अफ्रीकन गवर्नमेंट को कि हम एक्शन ले रहे हैं और सॉरी बोलते हैं कि जस्टिस होगा इनके खिलाफ, तो काइंड ऑफ चीजें चलती रहती है। पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है, सीरियस अटेम्प्ट कुछ दिखता ही नहीं है कि कोई डिसीजन लिया गया है। ठीक है, तो देखिए लगभग इतने आदमी यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट है इंडिया में, 2016 की बात चल रही है, 42,420 आदमी है। तो इनमें से सबसे ज्यादा तो नेपाल के हैं, फिर अफगानिस्तान के हैं, तीसरे नंबर है भूटान के हैं, और फिर कित के हैं, फिर सूडान और नाइजीरिया के हैं। तो सूडान और नाइजीरिया के हैं दूसरे नंबर पे, तीन कंट्री के अलावा। तीन कंट्री कौन सी हो गई? नेपाल हो गई, अफगानिस्तान हो गई और भूटान हो गई। देखिए एक बार यहाँ पे नेपाल हो गए, ठीक है ना, ये अफगानिस्तान हो गया और फिर भूटान हो गया। इन तीन कंट्री के बाद में फिर कौन सा है? सूडान, सूडान हो गया। देखिए ऊपर वाला सूडान हो गया, साउथ सूडान के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो सूडान हो गया ऊपर। अच्छा आप लोग ये बताइए कि सूडान को कितनी कंट्री टच करी है, चलिए ये भी बताइएगा, ठीक है ना। और फिर नाइजीरिया हो गया। तो मतलब ये कंट्री है, मतलब जो हमारी पड़ोसी कंट्री है सबसे पास वाली, उसके बाद में सीधी अफ्रीका की कंट्री आ गई, और कोई हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर अफ्रीका के साथ में हम ढंग से ट्रेड नहीं करेंगे उनको, तो फिर कितना ज्यादा हमको खुद को भी लॉस होगा, हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे आते हैं पैसा पे करते हैं यार, फ्री में तो रहते नहीं है, वो फ्री में तो करते नहीं है, तो एजुकेशन लेने आते हैं। तो थ्री सार्स कंट्री के बाद में सीधा सूडान और नाइजीरिया है। तो मोस्ट स्टूडेंट जो है स्टडी करने आते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट को जो है यहाँ पे, देखिए होता क्या है हमारे यहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि यार अफ्रीका बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट है अगर देखा जाए तो, मतलब हमारे कॉन्टिनेंट के कंपेयर में भी, तो वहां से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिल जाती है। तो इसलिए उनको मतलब एक अच्छे खासी एजुकेशन भी मिल जाती है, और मतलब उनको अपने, देखिए हर चीज कंपेरेटिव में देखी जाती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वहाँ पे बहुत अच्छा है, हमको ज्यादा अच्छी वेस्टर्न कंट्री लगती है, यूएसए वगैरह हो गया तो वहाँ पे हम जाते हैं, यूरोप में ये वाले यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने लायक इनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से सब चीज़ें कंपेरेटिवली देखी जाती है कि इनको कहाँ पे जाना चाहिए। तो इंडियन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उनके साथ में ढंग से मिलजुल के रहना चाहिए, हमको और अपॉर्चुनिटी मिली है उनको जानने की, समझने की, और दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानने की, वो भी घर पे बैठे बैठे। पर लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट की तरीके से देखते हैं और उन पर फोकस करके नहीं चलते हैं। तो इसी तरीके से देख रहे हैं आगे भी ये फिर बोल रहे हैं वही सारी चीज़ें। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि देखिए अफ्रीका के साथ में बहुत ही पुराने हमारे कनेक्शन रहे हैं, सेंचुरी से चले हुए आ रहे हैं, महात्मा गांधी से भी रिलेटेड कनेक्शन वहाँ पे रहे हैं हमारे। तो ये स्टूडेंट है नाना पेशा करके, ये नाना जी जो है ये घाना के स्टूडेंट है, घाना के स्टूडेंट है। तो ये देखिए इनको क्या बोला कि एक बार पहले मैप देख लीजिए आप लोग, ये कहाँ पे हो गया घाना, दिख रहा है कहीं पे, ये हो गया घाना। घाना से रिलेटेड एक बात और याद आ गई, आप लोगों को पता होगा कि मई जून में हमारे प्रेसिडेंट घाना गए थे, तो वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसी घाना में, मतलब घाना में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट गए थे। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट की घाना में हमारे विजिट नहीं हुई थी, तो इसलिए घाना थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे लगभग 1 बिलियन के वहां पे, तो ठीक है। तो ये चीजें भी कुछ याद रखिएगा, और आगे आने वाले टाइम में बायलेटरल ट्रीटी हम बढ़ाने की बात सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा के इनके साथ में हम 3 बिलियन कर दें। तो ये दो चार पॉइंट थे इसके बारे में, तो ये साइड वाले पॉइंट थे, इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे, देख घाना के स्टूडेंट क्या बोलते हैं। ये घाना के स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे मतलब जो यहाँ पे इंडिया में आके इंडियन, हमारे यहाँ पे इंडिया में ही आके इनके इंडियन पीपल फ्रेंड नहीं है, इनके दूसरी कंट्री के जो आदमी है वो यहाँ पे फ्रेंड है, जो दूसरी कंट्री के पढ़ने आए हुए हैं यहाँ पे। इंडियन पीपल खुद तो फ्रेंड बनते नहीं है, और किसी इंडियन लड़की के साथ ही बात नहीं करने देते हैं, अगर इंडियन लड़की के साथ ही बात करते हैं तो ये हमको और ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और हमारे साथ मार मार मतलब मार पाट करते हैं कि हमारी लड़की मतलब हमारी कंट्री की लड़की के साथ में क्यों बातें कर रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन ये बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से तो ये बोल रहे हैं कि यार इस अगर इस तरीके से होकर चलेंगी चाहिए, तो हम सब मिलके यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे, और इस तरीके से जितना हम रेसिज्म यहाँ फील करते हैं, तो ये क्या चल रहे हैं, इन्होंने कई सारी अवेयरनेस भी चलाई है रेसिज्म के खिलाफ इंडिया में, और कई सारे अच्छे काम भी किए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने सपोर्ट किया है हमारी कंट्री को, और क्लीन मतलब इंडिया को क्लीन करो और अच्छा रखो, ये भी इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए हैं। तो कम्युनिटी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है यार। देखिए हम भी कहीं जाते हैं तो हम लोग भी बहुत ज्यादा मतलब अकेला अकेला फील करते हैं, अगर उनको
इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए तो फिर और सोचने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए सबको समझाने की जरूरत है, सबके साथ में बात करने की जरूरत है, कम्युनिटी के साथ में भी और स्टूडेंटों के साथ में भी उनको बताना चाहिए कि ये भी हमारे जैसे ही है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो वही सारी चीजें बता रखी है कि इफर्ट देना चाहिए सबसे। देखिए यहाँ कुछ सोल्यूशन इन्होंने दिए हैं। सोल्यूशन में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले तो अपने सिटीजन को एक मतलब समझा के रखना चाहिए सिटीजन को कि अफ्रीका को की सेफ फील कराएं, तभी तो यहाँ पे फायदा होगा। बहुत सारे अफ्रीकन आते हैं। पुलिस के बारे में बताया गया है, पुलिस को भी ढंग से काम करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है इस जो कैंपस रहते हैं कॉलेजों के, उनमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए फॉरन स्टूडेंटों के लिए, और बताना चाहिए कि ये यहाँ पे नहीं आ रहे, हमारे वाले भी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा देख के काम करें। और देखिए रेसिज्म को कम्बैट करने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सबको मिलजुल के रहें और एक ग्लोबल सिटी। देखिए आज की डेट में जब से ग्लोबलाइजेशन आया तब से कोई भी कंट्री एक दूसरे से अलग नहीं रह गई है, तो सब एक दूसरे से मिलके रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो इंडियन जो पीपल हैं उनको भी अपना थोड़ा सा मतलब माइंड एक्सपेंड करना चाहिए, और उनको भी क्योंकि देखिए फायदा क्या हो रहा है, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, तो फायदा हमारी कंट्री का हो रहा है ना। तो इसलिए हमको जो इंडियन पब्लिक है उनको थोड़ा सा अपना माइंड एक्सपेंड करना चाहिए और अपनी अपनी कंट्री के बारे में ना सोच के ग्लोबल होरिजाइन मतलब एक ग्लोबल व्यूज और ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में सोचना चाहिए कि सबको मिलजुल के रहना है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये वाला आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है। वैसे मैं जीएसटी के बारे में काफी बार पहले भी बता चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले तो टैक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडिया की। इंडिया में देखिए जो प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर है वो ये है, ये हो गया टैक्स, ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट में इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारे डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं जो कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट वे में जिसे पे करते हैं, आप लोगों ने क्या किया, कुछ भी लिया, मान लीजिए एक चॉकलेट ले लिया आप लोगों ने, तो चॉकलेट को मान लीजिए आप लोगों ने चॉकलेट ली कितने की, 25 रुपए की चॉकलेट ले ली, तो 25 रुपए की जो चॉकलेट ले लिया आपने इनडायरेक्ट वे में उसको दुकानदार को पैसा दे दिया है टैक्स का, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा अपने आप। तो आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया है, आपने क्या किया है यहाँ पे शॉपकीपर को दिया है, और शॉपकीपर के थ्रू वो वहां से आगे आगे होता हुआ पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट टैक्स जितने सारे हैं यहाँ पे, कुछ सेंटर के हैं, कुछ स्टेट के हैं, सर्विस टैक्स हो गया, ये सेंट्रल एक्साइज हो गया, ये बहुत सारे टैक्स यहाँ पे नाम दे रखे हैं, वैल्यू एडेड हो गया, ये मतलब दुनिया भर के टैक्स थे। तो इन्हीं की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग टैक्स है, तीसरे में जा रहे हैं वहाँ पे अलग टैक्स है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी हुई थी। तो सेंट्रल और जो स्टेट के सारे टैक्स थे, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन डिवाइड हो गई, तो जो लाइन डिवाइड होगी तो डायरेक्ट टैक्स के साथ में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उन इनडायरेक्ट टैक्स को हम एक टैक्स बना दे रहे हैं मिला के, वो टैक्स क्या बन जा रहा है, वो टैक्स हमारा जीएसटी बन जा रहा है। तो अब इसके बाद में जो टैक्स स्ट्रक्चर होगी वो टैक्स स्ट्रक्चर ये वाली हो जाएगी, ये हमारा टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा हो गया, एक इंट्रा स्टेट हो गया, एक इंटर स्टेट हो गया, ठीक है, ये आगे हो गया सेंट्रल, ये सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को दो तीन दिख रहे होंगे, ये दो तीन है क्या, देखिए एक्चुअली कई सारी चीजें आती हैं। एक तो होता है स्टेट से स्टेट के बीच में व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो एक हो रहा है स्टेट के अंदर में ही व्यापार हो रही है, तो उन चीजों पे किस तरीके से टैक्स लगाना है वो सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड की गई है। ये आर्टिकल में देखिए आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा, ये देखिए यहाँ पे है सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी हो गया, फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, फिर जीएसटी कंप्लाइंट बिल, ये सारे जो पांच बिल मिला के, चार तो इन्होंने पास कर दिए और पांचवे की ये बात कर रहे हैं अभी, जो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल मिला के कितने हो गए, यहाँ पे पांच हो गए अब बिल, अब इन पांचों बिलों को पास कराने के बाद में प्रॉपर वे में एक इंप्लीमेंटेशन निकल के आएगा। तो ये सारा डिस्कशन किन्होंने किया है, सारा डिस्कशन इन्होंने किया है, जीएसटी काउंसिल ने किया सारा डिस्कशन। जीएसटी काउंसिल अब तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, कोरम 50% होना चाहिए, हमारा जो लोकसभा में कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 50% मेंबर होने चाहिए। पावर किसके हाथ में ज्यादा होती है, स्टेट के हाथ में ज्यादा होती है, आप लोगों को पता है ये स्टेट वाला पोर्शन हो गया, तो स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर होती है, 2/3 स्टेट को दे रखी है। तो अगर स्टेट कुछ चाहेगा तभी कुछ हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोगों लेके चल रहे हैं, मतलब स्टेटों को साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए फायदेमंद बात यही हो गई कि जब तक सारे स्टेट साथ में नहीं आएंगे तब तक काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे मल्टी टायर सिस्टम ये अप्लाई किया गया है टैक्स के लिए, वैसे तो इसके क्रिटिसाइज भी किया गया है कि वैसे तो कह रहे हैं आप लोगों को टैक्स घटाना है कि बहुत सारे मल्टीपल टैक्स हो रखे थे आप लोगों के यहाँ पे दुनिया भर के, तो आप लोग कह रहे थे कि टैक्स को कम करना है कि इतने सारे टैक्स थे पर आपने फिर बना दी। पर देखिए यार इतनी सारी चीजें हैं उनको सबको एक जगह नहीं रखा जा सकता। 0% टैक्स किस पे लगाया, 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस, जैसे कि बास्केट जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं तो उन पे कोई टैक्स नहीं है मैक्सिमम। आप लोग इसको देखें तो मतलब जो किसान के अंदर में आता है, जो किसान वाले प्रोडक्ट होते हैं जो फार्मर यूज मतलब फार्मर के द्वारा किए जाते हैं, तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। 50% मास कंजप्शन, तो मतलब जो थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो ये देखिए पांच ही यहाँ पे हो गया, जीरो वाले पे तो कुछ काउंट ही नहीं करना है, तो ये कितना हो गया, एक्चुअली है तो चार, एक तो ये हो गया 5, 12, 18 और 28, तो ये है चार है अगर ढंग से देखा जाए तो। फिर ये लग्जरी टैक्स हो जाता है, प्लस सेस ऐड कर देते हैं यहाँ पे,
तो ये सारी चीजें मैं बहुत ही अच्छे से पीछे लेक्चर में डिसाइड कर मतलब डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आप लोग थोड़ा बस देख लीजिए यार, बार बार चीजों को वो करने से ना, अगर हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, जो नए आर्टिकल है जिनमें अच्छा है एक्सप्लेन करने को, फिर वो छूट जाते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी से ओवरव्यू दिया, छूटा भी नहीं और आप लोगों का रिविजन भी हो गया। ठीक है, तो देखिए 17 साल पुराना जो एफर्ट था वो अब कामयाब होने जा रहा है। तो 1 जुलाई से लग जाएगा, इतने दिनों से हमारी गवर्नमेंट और स्टेट लगे हुए थे इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे, अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा अच्छे से। ये हमारा जीएसटी था, अभी फिर से इसके बारे में आएगा, देखिए आगे आते रहेगा जब तक इसको ढंग से चीजें नहीं हो जाती, वो चलती रहती है न्यूज में। ये वाला आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी के क्या बोले हैं, जब साइबर सिक्योरिटी हम अच्छी प्रोवाइड कराएंगे तभी तो गुड मार्केट होगी। मतलब ये है कि देखिए, जब तक आप लोग ये कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि हमारी चीजें सेफ है, हमारा एटीएम कार्ड सेफ है, बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ है, तब तक आप चीजों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप चीजों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो तब तक आप वहां पर जाकर अपनी चीजें जमा नहीं करेंगे। तो यही बात होगी कि, तो पहले बताया कि जो गुड साइबर सिक्योरिटी है वो मार्केट को भी अच्छा करती है। और यहाँ पे ये आया क्यों आर्टिकल, आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि देखिए जिसको मैकडी भी आप लोग बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से खाते हैं, इसके द्वारा सप्लाई किए गए प्रोडक्ट, इसका ऐप भी यूज करते हैं। तो क्या किया गया कि जो मैकडी है इससे ये अभी देखा गया है कि ये मैकडी जो है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक करता है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ये सब चीजें हो गया, तो इस तरीके से लीक करता है। मतलब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी पे कई सारी चीजें आते रहते हैं, फोन पे भी एसएमएस आते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो। तो ये क्या होता है, इस तरीके से ये इनडायरेक्ट वे में इन कंपनियों से उठाए जाते हैं, उन कंपनियों के द्वारा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, और इसका इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ऐसे नहीं करते हैं, फ्री में करते हैं ये। तो यही आर्टिकल की वो किया जा रहा है कि ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है। इसी तरीके से आधार कार्ड के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी यही सब चीजें निकल के आ रही थी। तो यही बातें बोल रहे हैं कि मतलब इस तरीके से अगर जब तक हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इन चीजों के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी को ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो गुड मार्केटिंग कहां से निकल के आएगी, हम तो ट्रस्ट ही नहीं गेन कर पाएंगे। वैसे तो देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ये ढकेल दिया गया है यहाँ पे आदमियों को, मतलब ढकेल दिया गया किस तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ है। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन की वजह से मतलब डिजिटल इकोनॉमी बनाने की बात चल रही थी, सबको बोल दिया गया कि आप डिजिटली फॉर्म करो अपना पेटीएम के थ्रू या फिर जो भीम ऐप है उसके थ्रू आपको यूज करना है। तो एक तरीके से नष्ट कर दिया गया, मतलब धकेल दिया गया डिजिटल इकोनॉमी में, पर लेकिन सिक्योरिटी आप लोग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो जितने भी आदमी है वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि यार सेफ है ये चीजें, और देखिए जो पुराने आदमी है वो तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते इन चीजों को, करते हुए डरते हैं कि पता नहीं कौन निकाल के ले जाएगा पैसा, कि हाथ लगाते ही ऐसे अंगूठे से ये चीजें पैसे इधर से उधर हो रहे हैं, तो उनके माइंड में तो और भी ज्यादा है। और फोर अमंग द कंट्री मोस्ट टारगेटेड वेब एप्लीकेशन, अगर वेब के जो जितने भी एप्लीकेशन है फोर है इंडिया, पर लेकिन सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो मतलब पब्लिक को इसमें ढकेला गया है, तो इस तरीके से जिस तरीके से प्रोवाइड कराई जानी चाहिए सर्विसेज सिक्योरिटी, वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो एक तरीके से ब्रीच है, उल्लंघन है, मतलब वेकअप कॉल है लोगों के लिए, मैंडेटरी करना चाहिए इनको प्रोवाइड कराने के लिए सर्विसेज। तो सर्वे जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर फोकस देकर चलना चाहिए। अगर देखिए कोई भी चीजें हैं जब तक आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो तब तक एक मार्केट पे डिपेंड भी नहीं रहेंगे आप लोग। अमेजन ले लीजिए या कोई भी कंपनी ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, मतलब जब तक आप क्या करते हैं आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और अगर आपको कल को पता लगे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और ट्रांसफर कर दी है तो आप लोगों का ट्रस्ट इस पे हटता जाएगा। तो आप लोग क्या कर देंगे, अपना खुद जाके खुद से खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी चीजें देखने वाली हैं। तो इसी चीजें से यहाँ पे बताया गया है कि हमको ये चीजें ढंग से करके चलनी चाहिए, वरना लोगों का एक बार ट्रस्ट टूट गया ना फिर वही है, फिर करते रहना क्या करना है, फिर कोई कुछ नहीं लेने वाला है। तो यही इस आर्टिकल में चीजें डिस्कस की गई है। ये आर्टिकल है रेवेल राउजर, मतलब भीड़ उत्तेजक, जो भीड़ को उत्तेज करने का जो बिहेवियर होता है, जरा सी बात में किसी की जाति के खिलाफ, हिंदू ने मुस्लिम को और मुस्लिम ने हिंदू को, या क्रिश्चियन के किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया किसी ने भी, तो जरा सी देर में चीजें क्या हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती है। तो ला कमीशन की रिपोर्ट आई थी, देखिए रिबेल भी बनना चाहिए, पर लेकिन वो बागी मूवी देखी थी उसमें बोलता है कि बी ए रिबेल पर फॉर योर गोल, तो अपने गोल के लिए, तो जो आपको अचीव करना है उसके लिए डाकू भी और बागी भी बनना चाहिए, पर लेकिन अच्छे कोच के लिए, तो नेगेटिव कोच के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि ला कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ड्राफ्ट की गई थी, मतलब ला कमीशन ने बोला था कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2017 उसके बारे में थी। मतलब क्या था कि हमारी कंट्री में देखिए बहुत से सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हमारी एक हेटरोजीनियस सोसाइटी है, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं, यहाँ पे सारे रिलीजन है, सारी कास्ट कम्युनिटी है, हर एक कास्ट कलर के आदमी पाए जाते हैं, दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। तो उसी के तहत बोला गया था कि जो भी आदमी हेट स्पीच देता है, तो ये रिपोर्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा 267 रिपोर्ट थी, कि अगर कोई आदमी हेट स्पीच देता है, अटरेंस बोलते हैं, अगर बयान देता है कुछ भी उल्टे सीधे, और उसकी वजह से प्रवोक होती है सोसाइटी में, कुछ भी इस तरीके की चीजें बन जाती है, और मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे कुछ ऐसी काम हो जाते हैं टेररिज्म टाइप के और जिनोसाइड, तो उसको क्रिमिनलाइजेशन की एक्टिविटी में, पहले क्या था देखिए ये एक वो नहीं होता डिफाइन,
हर बार क्या होता था कि ये चीजें होती तो पहले भी थी पर लेकिन इनकी कोई डेफिनेशन नहीं थी ढंग से। सुप्रीम कोर्ट ने आगे आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई साहब इनको डिफाइन करो, तो तब जाके इन्होंने ढंग से डिफाइन किया है। तो यही छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है वैसे। तो ये इंसाइटमेंट मतलब एक तरीके से जो हेट स्पीच होती है तो उसको सह देने वाले होते हैं, इंसाइटमेंट मतलब सह देने वाले, उसको और बढ़ावा देने वाले होते हैं। तो उनको आज की डेट में क्रिमिनलाइजेशन की उसमें रख दिया गया है कि उनपे बहुत ज्यादा पेनल्टी और उनको क्रिमिनल के उसमें रखा गया और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ये कुछ सेक्शन दिए हैं, सेक्शन आप लोगों को याद नहीं रखने हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम में ये बोल रहे हैं कि इस सेक्शन के तहत, सेक्शन ये यहाँ पे ओनली इसलिए बताया गया कि आप इनके प्रोविजन याद रख सको, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि सेक्शन का नाम क्या है, इतनी ज्यादा डिटेल कौन याद रखने वाला है यार, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है पेनलाइज किया गया है इंसाइटमेंट को, अगर कोई साथ देता है इसको बढ़ाने के लिए भी अगर कोई बोलता है तो उसको भी पेनलाइज किया जाएगा। पहले क्या था कि जो काम कर रहे हैं उसको पेनलाइज किया जाता था ओनली, पर जो बढ़ावा दे रहा था उसको साइड में रख दिया जाता था, उस पर फोकस नहीं किया जाता था। पर लेकिन अब इस पर भी फोकस किया जाएगा, तो स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है इसको अब। तो इसके तहत तो देखिए क्या होता था, सेक्शन 5153C के तहत क्या होता था, 2 ईयर का पनिशमेंट या इतना फाइन। और अब क्या है जो इसके तहत है वो क्या है, इतना पनिशमेंट और इतना फाइन या बोथ, दोनों चीजें भी हो सकती है। तो ये देखिए डिटरेंस करने की बात है कि हार्म, जिससे सोसाइटी एक प्रॉपर वे में रह सके, सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाया जा सके, उससे बचा जा सके, तो इसलिए सारी चीजें होती हैं। तो ये सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए भी हार्मफुल है और ऊपर से राइट टू लाइफ जो आदमी को दिया जाता है प्रॉपर वे में रहने का, उसके लिए भी हार्मफुल है। बताना है किस आर्टिकल के अंदर आता है, दो आर्टिकल तो इतने ज्यादा आर्टिकल न्यूज में आते हैं, एक तो 19 और दूसरा ये वाला। लिख दूं? नहीं लिखूंगा, इसको आंसर देना है, ठीक है ना आप लोगों को। तो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे सारे आंसर, और देखिए पीडीएफ के साथ में आज इसी टेलीग्राम वाले चैनल पे आप लोगों को न्यूज़पेपर मिल जाएगा, तो दोनों चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। न्यूज़पेपर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और जिनको लगता है न्यूज़पेपर बड़ा हो जाता है, मैं अलग से दोनों जो वो है क्या बोलते हैं एडिटोरियल पेज है, दो एडिटोरियल पेज भी हो जाएंगे जिसको पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस ना करना हो, तो सारा आज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हेट स्पीच अब किसी भी तरीके से, चाहे वर्ड रिटर्न हो, चाहे स्पोकन हो, या किसी साइन के हिसाब से दिखा दिया गया हो, तो कोई भी किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम पहुंचा रहा है तो उसको अब बख्शा नहीं जाएगा इस लॉ के हिसाब से। और चाहे वो किसी छोटी सी सोसाइटी के या किसी सर्टेन ग्रुप के ऊपर भी या इंडिविजुअल के लिए भी इम्पैक्ट डाल रहा हो, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर ही देखा जाएगा। तो सब चीजें लॉ कमीशन को, ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके डिसीजन लेते हैं तभी जाके हरकत में आते हैं, वरना कोई ये कुछ करने की सोचती नहीं है कुछ फायदे के बारे में। ये न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है, स्कीम याद रखनी है, उड़ान, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, नाम याद रखना है, उड़ान उड़े देश का नाम ये नागरिक याद रखना है। ये क्या है, पेज 1 और पेज 13 की न्यूज है, इन दोनों पे पेज दिया गया है। क्या है आज की डेट में, मतलब और ज्यादा जो हमारे लोकल है, जैसे यहाँ पे ये वाला हो गया, ये सेंटर हो गए सारे, इनको क्या करने की बात चल रही है, बहुत सारी 5 एयरलाइंस का नाम दिया इन्होंने, 5 एयरलाइंस, तो इनको क्या करें, और ज्यादा इनकी फ्लाइट हुआ करेंगी, अब और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से और ज्यादा फायदा होगा, तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जिनका सपना रहता है कि हवाई जहाज में बैठ के उड़ना है, उनके सपने भी अब पूरे होने का टाइम आ रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, और बहुत ही अगर इस तरीके से चीजों को करके चलेंगे तो हमारी, जिस तरीके से आज की डेट में पहले एक सपना ही था, पहले 2000 के एरिया में अगर आप लोग देखें, मतलब 2000 जो टाइम था, उस टाइम पे लोगों के पास में फोन हुआ करता था, तो लोग क्या सोचते थे कि यार किसी के पास में अगर फोन है, देखो यार कितना अमीर आदमी है, काइंड ऑफ चीजें। और कुछ टाइम ऐसा है, फिर चल के सोचने लगे हवाई जहाज में उड़ रहा है यार, ये तो अमीर आदमी हवाई जहाज में घूम के आ रहा है। पर लेकिन अब इनको कॉमन बनाया जा रहा है, जिससे कि सब लोगों को फायदा हो सके, और आदमी और ज्यादा, इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है तो और ज्यादा उसका यूटिलाइज कर सके। तो 3-4 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, रीजनल फ्लाइट इंट्रोड्यूस की जाएगी, ऊपर से जो आदमी 500 किलोमीटर रेंज की उसमें चल रहा है उसको ओनली 2500 रुपये देने पड़ेंगे, और कैब भी रखी जाएगी चीज़ों पे, सीट की फ्लाई पे आधे पे कैब रखी जाएगी। और देखिए यहाँ पे फेयर का वो भी रहता है, जैसे कि मान लीजिए टिकट का रहता है, तो जैसे टिकट आप लोगों ने ले लिया एक बार, मतलब जैसे टिकट ले लिया, जैसे आधे टिकट बिक गए, तो फिर नीचे वालों के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए तो वो भी रहता है, इस तरीके की टिकटिंग होती है। और सब्सिडी प्रोवाइड करानी चाहिए गवर्नमेंट को, और मतलब सपोर्ट करना चाहिए, वही सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो फोकस करके चलना चाहिए, तभी ये रीजनल कनेक्टिविटी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को स्कीम का नाम याद रखना है, उड़ान, उड़ान स्कीम, किससे, उड़ने से रिलेटेड है, आप लोगों को उड़ने का मौका मिलेगा इस स्कीम में बैठने के बाद में, याद रखिएगा, उड़ जाए आप लोग भी उड़ जाएंगे, जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा तो फायदा होगा आप लोगों को। पेज 4 पे है ये, सोने गांव लेक नागपुर में है, सूख गई है लेक का नाम है, याद रख लीजिएगा, थोड़ा न्यूज में आ जाता है कई बार, बच्चे खेल रहे हैं, देखिए पानी का, तो यार पानी बचाओ भाइयों और बहनों, वरना दिक्कत हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, ये ट्रिपल तलाक की बात चल रही है, पेज 7 पे है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो ट्रिपल तलाक के बारे में फिर से डिस्कशन करने जा रही है 11th of May से। होता क्या है, देखिए ट्रिपल तलाक, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में तलाक 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 बोल देते हैं, फोन पे भी बोल देते हैं, इवन कई बार तो मध्य प्रदेश में, एक हम लोगों ने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश में एक ऐसा केस हुआ था कि सोती हुई वुमेन, एक उसका हस्बैंड आया बाहर से और वुमेन सो रही थी, तो सोती हुई को बोल दिया तलाक 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 और चला गया आदमी।
तो उसकी जो फिर उसकी सासू माँ थी उसने बताया कि तेरा तलाक हो गया, अपने घर निकल रहे यहाँ से अब। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं जो सुनने में आती है। तो यही बात है कि यहाँ पे बोला गया कि ट्रिपल तलाक वाला इशू है, इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, खासकर जो मुस्लिम वुमेन है उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। और देखिए यहाँ पे दो इशू निकल के आते हैं, एक तो ट्रिपल तलाक का, ऊपर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंदर आता है, चलिए बता देता हूँ। देखिए यूनिफॉर्म 44 आर्टिकल के अंदर आता है, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा 44 मतलब यूनिफॉर्म, दोनों यूनिफॉर्म है, 44 अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दे तो इसको ओवरलैप कर लेगा, तो याद रखना आर्टिकल 44 के आगे अंडर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए एक जैसा सिविल कोड, ये नहीं है चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबको एक ही तरीके का वो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक निकाह हलाला नाम की चीज होती है, ये एक बहुत ही मतलब बुरी मानी जा मतलब ये बहुत ही बुरी है वुमेन के लिए, अगर किसी वुमेन को एक बार तलाक दे दिया है और जब तक वो किसी तीस जब तक वो किसी मतलब तीसरे आदमी से शादी करके वापसी नहीं आएगी, तब तक जिस आदमी को तलाक दिया उसके पास में नहीं आ पाएगी। तो पहले किसी और से शादी करो, या तो वो मर जाए या फिर उससे डिवोर्स लेके आओ, अगर इसे शादी करनी है पहले वाले से तब जाके शादी करेगी। तो ये तो सरासर नाइंसाफी हो गई। तो रिलीजन से तो बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे अब सुप्रीम सेंटर ने पूछा है किस तरीके से करना है, तो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगा है कि थोड़ा इसको क्लियरिफाई करो कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी सजेशन दिया है, अब किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है ये तो बाद में देखने को मिलेगा, किस तरीके से इसके बारे में चीजें करनी है तो वो अब बाद की बात आ जाएगी। और आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 13 का भी बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आर्टिकल 13 में क्या दे रखा है, सेंटर क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई बताओ कि जो ये पर्सनल लॉ वाला है इसको आर्टिकल के इसके एम्बिट में लाया जा सकता है क्या, किसके आर्टिकल 13 के, इसमें क्या लिखा है, अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट है और या फिर डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट को, मतलब फंडामेंटल, देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे, इस जब ये वाला लॉ की बात आती है ये इस तरीके के निकाह हलाला या फिर किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड, तो फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट, और हमारे कई सारे आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो जब भी इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी आती है तो उसके बारे में पूछ रहा है कि सेंटर पूछ रहा है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को कि हमको क्लेरिफाई करो कि हमको किस तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि देखिए रूल और रेगुलेशन जो बनाया जाता है वो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट में पास होगा, डिस्कशन होगा, तभी तो जाके चीजें इंप्लीमेंट होगी, पर लेकिन रूल और रेगुलेशन फंडामेंटल राइट के हिसाब से हो और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा ना। तो वही बात है, सेंटर पूछ रहा है इनसे कि भाई साहब हमको बताओ कि हमको किस तरीके से लॉ बनाना चाहिए, क्लेरिफाई करो ये सारी चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सजेशन दे रहा है। तो ये वाला आर्टिकल इससे रिलेटेड है, मतलब एक बात पूछी जा रही है कि किस तरीके से हमको चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, हमको पूरी इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। ये पेज 9 पे डेटा था, डेटा किससे रिलेटेड था, ये था ग्रीन एजिटेशन, मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं ग्रीन चीजों को बचाने के लिए, और जिससे कि जो जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं मतलब इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसकी वजह से, सबसे ऊपर है हमारी कंट्री, याद रखना हमारे नीचे है कोलंबिया, ठीक है, तो इंडिया सबसे ऊपर है, फिर ब्राजील है, मतलब कोलंबिया है, फिर ब्राजील है, और फिर जाके यूएसए है। तो देखो कितने अवेयर हैं, आप बोलते हैं ना हमारे यहाँ इंडियन पीपल अवेयर नहीं है, देखो कितने ज्यादा अवेयर है इन्वायरमेंट को लेके, दूसरी कंट्री से तो ज्यादा अवेयर ही है। और लैंड एक्वाइजेशन जैसी चीजें हो गई, या मिनरल रिसोर्सेज हो गया, एक्सप्लोटेशन हो गया, इस तरीके की चीजें जो आती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट होते हैं वो इंडिया में होते हैं इन चीजों को रोकने के लिए, तो अच्छा साइन है। तो अगर इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हैं, पॉजिटिविटी है इंडिया की कि हम जब भी इन्वायरमेंट के साथ में कुछ नेगेटिव होता है तो वहां पे हम इसको मतलब हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री के, अदर कंट्री के उसमें पैरेलल में अगर हम इन चीजों को देखें तो। चलो इससे मुझे एक पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है, कई बार पूछा जाता है यार, चिपको आंदोलन याद आ रहा है कुछ, चिपको आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसके बारे में आपको बताना है, और उन आदमी का नाम भी लिखना है जिन्होंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन में, चिपको आंदोलन के बारे में बताना है, अभी एकदम माइंड में आ गया क्वेश्चन, आंसर आप लोगों को पीडीएफ में डाल दूंगा मैं सर्च करके अभी पूरा, चिपको आंदोलन देखिए इसके बारे में पढ़िएगा, कई बार आ जाता है ये, तो अभी क्वेश्चन आया जस्ट माइंड में, तो इसके बारे में देखिएगा थोड़ा जाके उस पे विकीपीडिया पे सर्च करके, और बाकी मैं पीडीएफ में डाल ही दूंगा, आंसर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। पेज 11 पे न्यूज है, मलेशिया के पीएम इंडिया में आ रहे हैं, मलेशिया अगर आप लोग एक बार देखना चाहें मैप में तो यहाँ के पीएम जो हैं अभी कंट्री में आ रहे हैं हमारे, ये देखिए हो गया मलेशिया के पीएम हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो चेन्नई में जाके उतरे हैं, यहाँ से देखिए अभी क्या चीजें होती हैं किस तरीके से, अभी न्यूज में भी कई बार आएगा, तो डायलॉग जो है किस तरीके से सिक्योरिटी से रिलेटेड, या और भी कई सारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो कई सारी चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड आज जो डायलॉग होंगे साइन होंगे उसके बारे में देखा जाएगा। अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेज 11 की न्यूज है ये, फर्स्ट टाइम क्या होने जा रहा है, देखिए हमारे यहाँ पे अब तक कॉलोनियल ट्रेडिशन थी, मतलब जो जज थे जो पुराने, देखिए वेस्टर्न कंट्री के जो जज आया करते थे हमारे यहाँ पे, कहाँ के जज हुआ करते थे, यूके के जज हुआ करते थे इंडिया में, तो वो क्या करते थे, जब भी गर्मी आया करती थी छुट्टियों पे चले चले जाया करते थे, तो आज भी क्योंकि यार वो ठंडे एरिया के रहने वाले आदमी है तो उन्होंने क्या कर रखा था, वो हमेशा ऊपर वाले उत्तराखंड वाले एरिया में चले जाते छुट्टी मनाने या फिर अपनी कंट्री में पहुंच जाते थे, पर लेकिन आज तक हमारी कंट्री में वही सब चीजें चली आ रही है, तो कॉलोनियल प्रैक्टिस चली हुई आ रही थी, तो फर्स्ट टाइम अब इन चीजों को हम हटाने जा रहे हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे एस खेर, नाम याद रखिएगा,
तो अब फिर से क्या बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अब काम करेंगे यहाँ पे जज एक प्रॉपर वे में, और छुट्टी को हटा के जस्ट देखिए लिखा हुआ है जज चूज वर्क ओवर द वैकेशन, मतलब वैकेशन की वजह उन्होंने वर्क करना चूज किया है। तो आज की डेट में 28 जो जज है सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ पे, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। और ये तो खैर मैं आंसर दे दिया, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, ये इस कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है कई बार, ये 65 है, इसको बढ़ाने की बात चलती रहती है कई बार, ठीक है। तो कितने जज है टोटल उनके बताना है, इसको जो रेड लाइट ये लगा हुआ है यहाँ पे इसको हटा दूंगा जब भी मैं पीडीएफ में बनाऊंगा उसको, तो उसको बताना है आप लोगों को आंसर में, ठीक है। ये पेज 11 की न्यूज है, दिल्ली टू एक्सटेंड 5 बिलियन टू ढाका, ये देखिए ढाका में ढक्कन खुलने जा रहा है, पहली कंट्री ऐसी है हमारे पड़ोस में जिसको हम 5 बिलियन का क्या देने जा रहे हैं, लोन काइंड ऑफ लोग कह सकते हैं, इतना देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा, बेवकूफ तो नहीं है यार हम, हाँ कुछ रीजन नहीं, बहुत बड़े रीजन है। रीजन देखिए क्या है, ये हमारा रीजन है, ये जो हमारा ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया की वजह से हम ढाका में इतना ज्यादा वो करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला रीजन हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से या कहीं से भी जाके रेल के द्वारा रोड के द्वारा, तो ये वाला रीजन बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा एक हमारा पार्ट है जो कि सेग्रीगेट रहता है अगर देखा जाए तो। अगर यहाँ पे हम बहुत ज्यादा अच्छे से वो करेंगे बांग्लादेश के साथ में रिलेशन अच्छे बनाएंगे, तो हमारे इस वाले एरिया पे रिलेशन होने के बहुत अच्छे, बहुत अच्छा वो मिल सकता है हमको अपॉर्चुनिटी रिलेशन अच्छा करने को। और इसके साथ साथ में एक बात और होती है, वो क्या होती है, देखिए हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अगर हम इस वाले एरिया में काम करेंगे तो जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इन वाले एरिया, इंडोनेशिया हो गया, इन वाले एरिया में भी हम अपना कॉन्टैक्ट ढंग से बना सकते हैं, और हम इन वाले एरिया के साथ में भी अच्छे से व्यापार कर सकते हैं। तो यही रीजन है, इसलिए बेवकूफी में उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत बड़ा रीजन होता है ये, तो वही रीजन है कि नायबर को दिया गया है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हमारे यहाँ पे विजिट पे आने वाली है नेक्स्ट वीक में, तो अगरतला से ये अक्कहानूरा यहाँ पे बनाने की बात चल रही है, रोड वगैरह और रेलवे लाइन भी बनाने की बात चल रही है, तो ये इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है। पेज 9 की पेज 12 की न्यूज है, चाइना बैन बियर्ड एंड व्हील्स इन जिंगजियांग रीजन। देखिए यूरोपियन कम्युनिटी ने भी कई सारी चीजें बैन कर दी थी, बुरका वगैरह और ये जो क्रॉस वगैरह या पगड़ी वगैरह पहनते हैं, ये सारी चीजें क्या कर दी थी यूरोपियन यूनियन में कुछ जस्टिस थे, उन्होंने बैन कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना रहे सके और कम्युनिटी वाले क्लैश यहाँ पे ना हो। अब चाइना ने कर दिया जिंगजियांग वाले रीजन में, जिंगजियांग वाला रीजन पे क्यों किए, क्योंकि जिंगजियांग वाला रीजन ये देखिए यहाँ पे पड़ेगा, ये कजाकिस्तान और इस वाले एरिया में पड़ता है यहाँ पे, ये होता हुआ कायरोकिस्तान वाले एरिया में, यहाँ से क्या होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वाला पोर्शन रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब लड़ाई ज्यादा होती रहती है, तो जिससे उनको पहचाना जा सके, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना रहे और इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसको लगा दिया गया है, ठीक है। ये वाला देखिए पेज 15 पे न्यूज है, विराट कोहली आपके सबके और हमारे चाहिए, इनको पद्मश्री मिला है, और दूसरी किन किन को मिला है, दीपा मलिक जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे भी दिखाया था, इनको भी पद्मश्री मिला है। तो आप लोगों को बताना है किस गेम से रिलेटेड है ये, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और देखिए यार इस तरीके की पर्सनैलिटी है, कितना कुछ देखो इनसे, मतलब कैसी कैसी सिचुएशन में आदमी क्या क्या कर रहे हैं, और आप लोग हष्ट पुष्ट होते हुए भी फिर भी ढंग से चीजें नहीं करते हैं, तो इसलिए अच्छे से काम करो, इन्जॉय करो, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक किया करो, लाइक्स और जो जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, वही मुझे उन्हीं की वजह से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ पाता हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो सपोर्ट कीजिए। और जिसने चैनल, कई बंदे पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल रहती है, उसको घंटी सी रहती है, उस पर क्लिक कर दीजिए तो आप लोगों के पास में फिर नोटिफिकेशन आने लगेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ठीक है ना, आप लोगों के फिर पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे मिल जाएगा। और देखिए मंडे से मैं कई सारी चीजें ऐड कर दूंगा, अब इसमें जो आप लोगों ने क्वेश्चन बोला था वो भी ऐड कर दूंगा, वोकैबुलरी भी, और एक दो कंट्री की कैपिटल भी पूछा करूंगा, और करेंसी भी बता दिया करूंगा एक दो कंट्री की, और वोकैबुलरी तो है ही है, और क्वेश्चन भी। तो पूरा एक घंटे का लेक्चर आप लोगों को पूरा ढंग से मिला करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।